प्रिय शिक्षकों और साथियों, अमर बराक चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है। एनआईएससी डीएलएड करने वाले सभी शिक्षकों को अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर या एग्जामिनेशन का जो डेट है उसके बारे में शायद एनआईएस की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन अभी फ़िलहाल नहीं पहुंचा है, लेकिन एनआईएस की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि जो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा या एग्जामिनेशन का जो डेट होगा वो एनआईएस की तरफ से जो 20 अप्रैल 2018 को इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, जिसमें यह बात सामने आई है कि एनआईएस का जो डीएलएड का एग्जामिनेशन है वो 31 मई और 1-2 जून को होने वाला है। लेकिन सोशल मीडिया में यह खबर आ रहा है कि एनआईएस का जो एग्जामिनेशन है वो चेंज हो गया है, एग्जामिनेशन का डेट चेंज हो गया है रमज़ान के कारण या ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई जा रही है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे बताई जा रही है कि एनआईएस की परीक्षा डीएलएड की परीक्षा स्थगित रमज़ान के कारण, तो आपको इन सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप ही यहाँ पे एक अपडेट एनआईएस की तरफ से निकल कर आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनआईएस के जो ऑफिशियल स्टाफ है या जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा उनमें जो ऑफिशियल स्टाफ है उनको एनआईएस की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि एनआईएस के जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा 31 मई 2 जून को। तो इस बारे में हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे सारे शिक्षक हैं उनके पास आसानी से पहुंच सके। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन स्कूलिंग, जो 15 मई 2018 को ये स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था से ये अपडेट निकल कर आया है जो 15 मई को है, जिसमें आप लिखा हुआ है देख पा रहे हो कि ऑफिस ऑर्डर 90/1/2018 द एनआईएस हैज बीन असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी बाई द एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कंडक्ट ऑफ डीएलएड एग्जामिनेशन फॉर अराउंड 13 लाख अनट्रेन्ड इन सर्विस टीचर एंड द एग्जामिनेशन फॉर द सेम हैज़ बीन शेड्यूल्ड ऑन 31 मई 2018 टू 2 जून 2018 थ्री डेज द डेट शीट फॉर द सेम हैज़ ऑल्सो बीन डिस्प्लेड ऑन एनआईएस वेबसाइट। तो आपने यहाँ पे देख लिया होगा जो एनआईएस का जो एग्जामिनेशन है वो 31 मई से लेकर 1 और 2 जून तक होगा, जो थी यहाँ पे ब्रैकेट पे दिया हुआ है थ्री डेज का, जो आपके 3 दिन का एग्जामिनेशन होगा उसका समय आपको भी पता होगा जो लगभग 2:30 बजे से 5:30 बजे तक आपका एग्जामिनेशन होगा। तो आपका ये एनआईएस का जो एग्जामिनेशन है वो उसका डेट कहीं चेंज नहीं हुआ है उसके बाद। तो यहाँ पे दिया हुआ है इन ऑर्डर टू एकम्प्लिश दिस टास्क द कोऑपरेशन ऑफ ईच एंड एवरीवन इज रिक्वायर्ड ऑल ऑफिसर एंड स्टाफ ऑफ एनआईएस आर देयरफॉर एडवाइज नॉट टू टेक एनी काइंड ऑफ लीव ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन एक्टिविटीज प्री कंडक्ट कंडक्ट एंड पोस्ट कंडक्ट एक्टिविटीज एक्सेप्ट इन एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन एंड विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे हमने देख लिया होगा कि जो आपका जो एग्जामिनेशन है वो 31 मई से लगभग 2 जून तक चलने वाला है। इसमें जो बात सामने आई है कि एनआईएस के जो स्टाफ है उनको ये एनआईएस की तरफ से इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि उस समय जो एग्जामिनेशन के दौरान कोई भी स्टाफ अपना जो लीव लेना है वो इस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एक्टिविटीज एग्जामिनेशन के समय या एग्जामिनेशन के जो जो सारे एक्टिविटी है उन समय उनको लीव लेने से मना कर दिया गया है, ताकि वो जो एग्जामिनेशन है वो 31 मई से 2 जून के तक सही तरीक़े से हो और आसानी तरीक़े से हो, उसमें किसी भी तरह का मुसीबत का सामना ना करना पड़े। ये बात इसमें एनआईएस की तरफ से इन्फॉर्मेशन दिया गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सी धर्मन सेक्रेटरी जो इवैल्यूएशन सेक्रेटरी उनकी तरफ से ये मैसेज आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और एक अपडेट जो एनआईएससी डीएलएड करने वाला शिक्षक है उनके लिए ये अपडेट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो शिक्षक बनाने वाले प्राइवेट स्कूलों पर भी होगी कार्रवाई। तो ये बात उन सारे शिक्षकों के है जो प्राइवेट स्कूल से तो अपना नाम एनआईएससी डीएलएड करने में लगा लिया है, लेकिन उनका परेशानी सामने इस वक्त आया है कि एनआईएससी जो
एग्जामिनेशन या NIS का जो इन्वेस्टिगेशन होता है या NIS की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन पहले मिला था कि यहाँ पे लगभग भारत में बहुत सारे शिक्षक हैं, लगभग 15 लाख हो या 13 लाख बहुत सारे शिक्षक हैं, उनको ट्रेनिंग देना है। लेकिन बात सामने इस समय आया है, आप यहाँ पे जब खबर को पूरे पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आपको पूरे समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हजारीबाग प्रतिनिधि से ये अपडेट है, सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों के गैर प्रशिक्षित शिक्षकों की DLED कराकर प्रशिक्षित मानने की सरकारी योजना में बड़ी पैमाने पर फर्जीवाड़ा का अंदेशा जताया जाने लगा है। अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव इस मामले से किनारा करने लगे हैं। सरकार के पास गैर प्रशिक्षित शिक्षकों का जो वास्तविक आंकड़ा पहले से मौजूद था वह फेल हो गया। प्राइवेट स्कूल ऐसे शिक्षकों को शिक्षक बनाकर DLED में नाम कराने का रास्ता साफ कर दिए जो कैरियरत ही नहीं थे। कई प्राइवेट स्कूलों में एकाएक शिक्षकों की संख्या बढ़ गई। तो आपको यहाँ पे ये खबर मिला है जो बहुत सारे शिक्षक है जिसमें प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक है जिसमें DLED में उनको नामांकन किया गया है, लेकिन फ़िलहाल खबर ये आ रहा है कि उनका जो नामांकन हुआ है वो किसी प्राइवेट स्कूल का डाइस कोड यूज़ करके या प्राइवेट स्कूल्स को पैसा देकर ऐसा कुछ प्रॉब्लम सामने आ रहा है। तो आगे चलकर आप यहाँ पे देख सकते हैं मामले में फर्जीवाड़ा का अंदेशा होने पर प्रधान सचिव ने सभी DSE ने मामले की जांच पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने 2016 से लेकर 2017 तक का वर्षवार गैर प्रशिक्षित शिक्षकों का आंकड़ा खंगाल कर फर्जीवाड़ा का पता लगाने का निर्देश दिया। तो आपको ये बात पूरा मालूम होगा कि NIS का जो DLED करने का प्रस्ताव आया था वो लगभग इसी साल में सामने आया है, जिसमें NIS का जो DLED कर रहे हैं शिक्षकों का NIS की तरफ से या MHRD की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि उन सारे शिक्षकों का जो लिस्ट है उनको NIS से DLED करना होगा। लेकिन सामने खबर इस वक्त आया है कि जो 2013 से लेकर 2017 तक का जिन शिक्षकों का लिस्ट है उससे शिक्षकों का आंकड़ा खंगाल कर फर्जीवाड़ा का पता लगाने का निर्देश दिया है। तो ये सारे जो शिक्षक है उनका बहुत लंबे लिस्ट सामने निकल कर आया, उसे भी कार्रवाई की जद में रखा जाएगा। दरअसल DLED करने वाले गैर प्रशिक्षित शिक्षकों से शुल्क लिया गया है। इसके बाद यह खबर सामने आ रही है कि जो NIS से DLED करने वाले सभी शिक्षक उनको जो MHRD का जो लगभग हिसाब था कि इन सारे शिक्षक हैं उनको DLED करना है, लेकिन यहाँ पे खबर सामने आ रहा है कि जो इन सारे शिक्षकों का लगभग अगर 13 लाख हो तो 13 लाख से जितना पैसा वसूल करना था उससे ज़्यादा अब यही शुल्क शिक्षा विभाग के लिए मुसीबत बन गया है। सरकार के पास गैर प्रशिक्षित शिक्षकों की जो सूची मौजूद थी उसके मुताबिक जो शुल्क जमा होना चाहिए था इससे लगभग 4 गुना राशि जमा हो गई है। तो आपको ये बात पूरा मालूम हो गया है कि तो NIS से तो पहले NIS का तो इन्फॉर्मेशन था कि हमारे पास इन सारे शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग देना है, वो सारे अनट्रेंड हैं उनको ट्रेनिंग देना है, जैसे जिस तरह भी हो उसको MHRD की तरह से इन्फॉर्मेशन दिया गया है। उसके बाद जो सेम किल प्लेटफॉर्म से आपने चैनल नंबर 32 से घर बैठकर अपना जो NIS का क्लास लिया है उसके बाद आपका सिर्फ PCP करना हुआ, PCP करने से आपका जो 12 दिन का अटेंडेंस आपने हासिल कर लिया होगा। लेकिन यहाँ पे सामने आ रहा है कि जो जिन सारे शिक्षकों का लिस्ट NIS की या MHRD की तरफ से जारी किया गया था उसमें जो जिन सारे शिक्षकों का लिस्ट था उससे 4 गुना बढ़ गया है, जिसमें यह बात सामने आई है कि फीस भी 4 गुना MHRD को मिला। इसे वित्तीय मामलों में गड़बड़ी माना जा रहा है, इसे ही ठीक करने के लिए जांच कराने की ज़रूरत बताई जा रही है। इस पूरे मामला में ऐसे स्कूलों के भी डाइस कोड दे दिया गया है जो मान्यता प्राप्त नहीं है। बताया जाता है कि मान्यता प्राप्त स्कूलों को ही डाइस कोड देना था, इसमें संबंधित प्रखंडों के BEO की मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रधान सचिव से पहले भी इस मामले की जांच के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से भी रिपोर्ट मांगा गया था। इसके बाद DSE ने 3 सदस्यीय टीम बनाकर जांच का जिम्मा सौंप दिया। इस गड़बड़ जाला का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। इस मामले में पूछे जाने पर DSE ने कहा कि जांच के लिए समिति बना दी गई है।
तो आपको यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री का रिपोर्ट, जो प्रधानमंत्री के पीएमओ ऑफिस से भी इस बारे में रिपोर्ट मंगाया गया है, जिसमें इसके लिए 3 सदस्यीय टीम भी बनाकर जांच का जिम्मा सौंप दिया। तो आपको ये बात सामने पूरेपूर सामने आ गई है, जिन 4 शिक्षकों ने अपना नाम किसी शिक्षक नाम नहीं में नहीं है या किसी स्कूल में नहीं है, लेकिन उन्होंने स्कूल का ड्रेस कोड यूज़ किया है, तो उस 4 शिक्षकों के लिए मुसीबत सामने आ सकती है। हमको उम्मीद है कि ऐसे कोई शिक्षक नहीं होंगे जिनका स्कूल नहीं है और वो डीएलएड कर रहे हैं। लगभग अगर कई शिक्षक है तो उनके इस मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है और जिसमें उनका एनआईएस से नाम भी बात पड़ सकते हैं। तो आपको ये अपडेट मिल गया होगा, जिससे आपको मिला होगा कि इन्फॉर्मेशन का आपका जो एनआईएस का डीएलएड है वो कैसे कर रहे हैं या कैसे होगा या कुछ उसमें चेंज होगा या नहीं, तो उस बारे में उस अपडेट से लेकर चलते हैं विदा और मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।